अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत से सऊदी अरब डरा हुआ है। खबर है कि सऊदी अरब ने बाइडेन को बधाई संदेश देने में भी 24 घंटे से ज्यादा का समय लिया था, क्योंकि अंदेशा ये है कि सऊदी अरब को बाइडेन की जीत से बड़ा नुकसान हो सकता है। सऊदी क्राउन प्रिंस ट्रंप के काफी करीबी थे। कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद पहला विदेशी दौरा कनाडा या मैक्सिको का करता था, लेकिन ट्रंप ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए सऊदी अरब को चुना था। ट्रंप सऊदी अरब के लिए एक सुरक्षा दीवार की तरह थे, चाहे वो मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा हो या यमन के युद्ध में उसकी भूमिका। ट्रंप प्रशासन ने हमेशा सऊदी का साथ दिया। वहीं जो बाइडेन ने अपने चुनावी कैंपेन में संकल्प लिया था कि वो सऊदी के साथ रिश्तों पर गौर करेंगे। इसके अलावा बाइडेन यमन के साथ लड़ाई में अमेरिकी मदद रोकने की बात भी कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि सऊदी के लिए कोविड-19 से भी खराब अगर कोई चीज होगी तो वो जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना होगा। सऊदी अरब के मीडिया ने भी बाइडेन की जीत के बाद सऊदी के भविष्य को लेकर अनिश्चितता जाहिर की है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।